आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डीजी इनसाइट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज आ गए हम लोग एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारे पैटर्न्स बनाना, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाना और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के साथ बनाना। तो कितने ट्रिक्स से मैं पैटर्न्स बनाता हूँ और कितने ट्रिक्स से मैं पैटर्न्स को क्रिएट मतलब कर सकता हूँ, वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई इंडिविजुअल एक पैटर्न बनाना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल एक पैटर्न बनाने की ट्रिक्स एक तरीके बहुत सारे इंटरनेट पे दिए गए हैं। तो मैं आपको एक कितनी ट्रिक्स से आप पैटर्न्स को बना सकते हैं वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पैटर्न मेकिंग का क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने मतलब लाइन से हम लोग किस किस टाइप के पैटर्न्स बना सकते हैं और किन किन ट्रिक्स से पैटर्न्स को बना सकते हैं। जैसे हमें लाइन एक ड्रॉ करनी है यहाँ से और यहाँ तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ अभी बढ़ा देता हूँ। विड्थ मैंने दे दी इसको 20, विड्थ मैंने दे दी। मैं इसकी कॉपी निकालना चाहता हूँ तो सिलेक्शन टूल उठाऊंगा और इसको ऑल्ट प्रेस करने के बाद नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा एकदम एग्जैक्ट इसके नीचे और उसके बाद कंट्रोल डी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिस्टेंस इधर चेंज हो गया है ना। ऐसा अक्सर आपके साथ हो सकता है। जैसे मैं दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसे सही रखा है, एकदम सही रखा है, और उसके बाद भी मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है आपका। इसका ट्रिक ये है कि आप राइट क्लिक करो और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे जाओ। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद तो यहाँ पे एक एंगल फिक्स है, इस एंगल को आप ज़ीरो कर दो। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लो और मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस इसका, अभी तो फिलहाल मैं ज़ीरो कर देता हूँ और ज़ीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ज़ीरो, वर्टिकली ज़ीरो, और अब हम इसको डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे। ठीक है, तो वर्टिकली मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वर्टिकली मुझे इसकी पोजीशन चाहिए, तो मैं इसकी वर्टिकली एक पोजीशन सेट कर दूंगा, एंगल को ज़ीरो रखूंगा और वर्टिकल पोजीशन बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने वर्टिकल पोजीशन मैंने 50 ले ली यहाँ पे। ठीक है, और डिस्टेंस भी 50 हो गया। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा और कंट्रोल डी, तो अब ये एकदम स्ट्रेट आया। तो एक तरीका तो ये मूव की हेल्प से मैंने ये मतलब एक पैटर्न बनाया है। अब मैं पैटर्न के पीछे जो भी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ वो अपना यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं एक बैकग्राउंड देने के लिए मेरा जो ये आर्ट वोट है 1000x1000 का है, तो मैं सीधे 1000x1000 डाल देता हूँ यहाँ पे। एक आप मूव टूल की हेल्प से बना सकते हो पैटर्न। मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, बढ़िया। ठीक है, मैं इसको इसके पीछे प्लेस कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसको अरेंज कर देता हूँ सेंड बैक। ये एकदम सिंपल से तरीके से है। बाकी मुझे लाइंस का कलर अगर चेंज करना है तो सारी लाइंस को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करके वाइट कर लेता हूँ। तो ये एकदम सिंपल सा तरीका जिससे मैंने पैटर्न बनाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ और इसको रख लेता हूँ अपना, एक कॉपी बाहर रख देता हूँ, इसकी मुझे नीड पड़ेगी। तो मैं इसको, तो हमारा एक पैटर्न रेडी है। अब देखिए दूसरा पैटर्न मैं कैसे बनाता हूँ। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ दोबारा। मैं सारी लाइंस को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए दबाऊँगा तो बाहर का भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस बार भी क्या करने वाला हूँ, अपना सारा लाइन ही सेलेक्ट किया है। सिंपल से सारी लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद किस किस तरीके से, जैसे अगर आपको इस लाइंस को कर्व करना है तो आप सिंपली जाओ कर्व में। अगर बनाना है तो आप सिंपल है कि आप डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म पे जाओ या फिर जिगजैग दिया, आप जिगजैग पे क्लिक करोगे। ठीक है, और इसको ज़रा सा प्रीव्यू ऑन करो तो आप देखोगे कि ये जिगजैग आपका एक पैटर्न तो ये बन गया जिगजैग में। ठीक है, ये देखिए आप इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक पैटर्न मैंने ये बना दिया। ठीक है, गुड डन। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्लिप मास्क कर लेता हूँ इसी साइज पे 1000x1000 पे। मैंने फिर से बॉक्स ले लिया और मैं इसको किसी भी कलर का ले लूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्लिप मास्किंग में कलर से कोई मतलब नहीं होता। राइट क्लिक करें, मेक क्लिप मास्क, और ये मेरा एक और पैटर्न रेडी हो गया। इसको भी मैं रख देता हूँ बाहर। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न रेडी हो गया। फिर से मैं इसकी एक कॉपी इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ये मेरा 1000x1000 वाला है, और इसको भी मैं
इसको भी क्या करता हूँ मैं, फिलहाल मैं इसकी भी सारी लाइंस को सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास तीन पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, ठीक है। और इस बार भी मैंने सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लिया। लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा जिगजैग पे, लेकिन इस बार क्या कर दूँगा, स्मूथ कर दूँगा और प्रीव्यू ऑन कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि जिगजैग में मुझे कुछ ऐसे पैटर्न मिल गए, और इसको भी मैं ओके कर दूँगा। बहुत सिंपल है, फिर से मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लूँगा 1000 बाय 1000 को, और फिर इसको भी क्लिप मास्क करके रख देता हूँ। क्लिप मास्क करने से क्या होगा, ये बाहर का जो भी है ये नहीं आएगा। तो मेरा एक पैटर्न ये सेलेक्ट किया, कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लेना आप। और राइट क्लिक किया, क्लिप मास्क, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। तो आप देखो लाइन से मैंने कितने सारे पैटर्न इतनी जल्दी जल्दी क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो एक तो हमारा ये तरीका है जिसकी मदद से आप डिफरेंट 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 पैटर्न लाइन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। एक और तरीका भी है, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये लाइंस थी, और मैं इन लाइंस के साथ एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका और है, मैं सारी लाइंस को फिर से ले लेता हूँ। सारी लाइंस को सेलेक्ट करना है आपको, मैंने सारी लाइंस सेलेक्ट कर ली। अब सारी लाइंस सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक सिंपल सा एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि आप मैश का यूज़ करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एनवलप डिस्टॉर्ट यहाँ पे है मैश, ठीक है, मेक विद मैश, मेक विद मैश पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे मैश बना लो जितने टाइम का आपको चाहिए। यहाँ पे देखो आपको साइज लिख के आ गया, किस साइज का आपको मैश चाहिए। तो आपको जिस साइज का भी मैश चाहिए आप उस साइज का मैश क्रिएट कर लो। ये देखो यहाँ पे मैश क्रिएट हो गया। मैश क्रिएट करने के बाद आप इसे ओके कर देना, और ओके करने के बाद मेरे पास ये मिल गया है। इसको थोड़ा सा एक शायद ऊपर कर लेना है मुझे, थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। तो ये मैंने एक मैश मतलब इस तरीके से क्रिएट कर लेना है मैश, ये ठीक है, ये लाइंस। अब क्या करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सेलेक्ट किया पूरा मैश, और इसको एक तरीके से इस तरीके से नीचे कर दिया। फिर मैंने जहाँ जहाँ मुझे सेलेक्ट करना है उस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है, जहाँ जहाँ आपको सेलेक्ट करना हो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। और ये ठीक है, ये भी हमने इतनी जल्दी से एक पैटर्न बना लिया। और अब क्या करता हूँ, मैं फिर से 1000 बाय 1000 का लेता हूँ, क्लिप मास्क करके रख दूंगा। कलर से मुझे फिर से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे इतना अपना चाहिए। दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, और ये भी मेरा एक पैटर्न रेडी हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और बेस्ट यही रहेगा कि मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो मैंने ये भी एक पैटर्न रेडी कर लिया है बहुत आसानी से। मेरा ये पैटर्न भी रेडी हो गया, ये आता, ठीक है। और इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ अपना आर्ट बोर्ड के बाहर सेम साइज का ये। तो आप देख रहे हो मैंने कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट कर दिए लाइन के। तो एक तरीका, ये इतने तरीके हो गए कि आप ब्लेंड की हेल्प से भी बना सकते थे ये पैटर्न। जैसे ब्लेंड की हेल्प से अगर आप बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो ये भी देखना है एक बार। ब्लेंड की हेल्प से बनाने के लिए आपको एक लाइन, जैसे मैं ये लाइन लाइन अभी लाइन पैटर्न ब्लेंड की हेल्प से बना रहा हूँ, तो मैंने ये लाइन ये बना ली, ठीक है। और फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ से, लाइन का मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैं 20 लेके चल रहा हूँ, और मैं इसका कलर इस बार कुछ और कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको ये, ठीक है। और इसके बाद मुझे इसे ब्लेंडिंग करना है, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, लास्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। एक कॉपी इसकी लास्ट में यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका कलर कुछ और ले लेता हूँ। ये मैंने इसका कलर ले लिया, दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले, और उसके बाद ब्लेंड ब्लेंड पे क्लिक करना है। डबल क्लिक कर दीजिए आप आराम से, और उसके बाद स्टेप्स को डिफाइंड कर लीजिए। यहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ पे यहाँ से तक मतलब जैसे मुझे 40 चाहिए, 40 की है, तो मैंने ओके कर दिया। दोनों को सेलेक्ट कर रखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट किया ये, और दूसरा पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सीधे सिंपल। तो ये देखो मेरे पास एक ये भी एक पैटर्न आ गया। अगर मुझे अब भी स्ट्रोक ज़्यादा लग रहा है तो मैं स्ट्रोक को तो आराम से चेक कर सकता हूँ। इसे डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, आइसोलेटेड इमेज,
और उसके बाद मैं इसके स्ट्रोक्स को अपने अकॉर्डिंग कम कर देता हूँ। तो मुझे एक तरफ के स्ट्रोक्स मैंने कम कर दिए, एक तरफ के ज़्यादा, तो मुझे ये भी एक पैटर्न मिल गया। मैं ब्लेंडिंग की हेल्प से भी पैटर्न्स को बना सकता हूँ। सिंपल है, फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्लिप मास्क करके रख सकता हूँ। 1000x1000 का मेरा है, तो मैं यहाँ पर इसको 1000 टैब प्रेस किया और 1000, ठीक है। मैं इसको भी बैकग्राउंड दे देता हूँ एक, ठीक है। आप बैकग्राउंड दे देंगे तो और अच्छा लगता है मेरे को। बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड देता हूँ और इसको राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज सेंड बैक, तो मुझको ये मिल गया एक और पैटर्न। तो देखा आपने कितना आसान है पैटर्न्स को बनाना। यहाँ पे सॉरी, क्लिप मास्क नहीं, इसको ग्रुप कर दीजिए आप। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आपका ग्रुप हो जाएगा और मेरा ये पैटर्न भी ऐसे रेडी हो गया। तो अभी आप देख रहे हो कि इतने आसानी से मैं इतने सारे पैटर्न्स बना पाया हूँ, ठीक है। अब आ गया, मतलब एक तरीका तो ये हो गया। आप डिफरेंट देखो, मैश जितने पॉसिबल तरीके थे लाइंस के थ्रू मैंने पैटर्न्स बनाने के बता दिए आपको। अब आ जाते हैं जैसे मूव टूल, ठीक है। मूव टूल से आप किस किस टाइप से, अब देखो मैं एक रोटेशन की हेल्प से पैटर्न बनाता हूँ। एक क्या, मैं ये कलर ले लिया मैंने, मान लीजिए ये मैंने कलर ले लिया एक रेड कलर का, और मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और रोटेट प्रेस करूँगा और यहाँ से क्लिक किया और मैं इसको 90 डिग्री करना चाहता हूँ। मतलब मुझे चार चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और ऑल्ट पे कॉपी पे क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल डी, तो मेरे पास ये चार ब्लॉक्स आ गए। जाहिर सी बात है, चार ब्लॉक आ जाएंगे। मैं दो ब्लॉक्स का कलर कुछ डार्क कर देता हूँ, ये और ये कलर सेम करने के लिए आई ड्रॉपर से पिक करके इसको सेम कर दिया। मेरे पास ये कलर है, ठीक है। मैं इनको भी थोड़ा अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, कोई जो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगे। मतलब मैं इसको वो कुछ येल्लो येल्लो सा लेना चाहूँगा, ये, ठीक है। और थोड़ा ब्राइट कलर्स, ठीक है। मैंने ये दोनों कलर ले लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 90 डिग्री ऐसे रोटेट करके मैंने इसको रख दिया। मैं एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ कि मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और क्लिप मास्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना, यहाँ से बनाना स्टार्ट करूंगा, तो एक ये और ये, ठीक है। तो मेरे पास ये चार कॉर्नर्स मिल गए। अब मैं क्लिप मास्क करूंगा तो कलर से तो कोई मतलब है नहीं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये मेरे को एक रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और मैं इसको इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप मूव टूल की हेल्प से देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मूव टूल मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, उसकी हेल्प से राइट क्लिक किया और फिर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद मूव। जब मैं इसको मूव कराऊंगा यहाँ से ट्रांसफॉर्म से, और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको कितना मूव कराना है, ठीक है। तो मुझे वर्टिकली मूव कराना है और कितना मूव कराना है मुझे यहाँ से, ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ। अगर आपको फिक्स वैल्यूज याद है जितना बड़ा ये स्क्वायर है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आते तो आप इस तरीके से फिक्स करा सकते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो ये काम ऑल्ट प्रेस करने के बाद भी कर सकते हो, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। और वर्टिकली मैं इसको नहीं मूव कराना चाहता हूँ, वर्टिकली मैं इसको 0 ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसको 76 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहता हूँ। उसके बाद आप कॉपी पे क्लिक कर दो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो, तो आप देखो ये आपका पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह कम रह रही है, तो इस वजह से मैं इस सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा और इसको इसके बराबर कर दूंगा, शिफ्ट प्रेस करना साथ में, ठीक है, जिसकी रेशियो मेंटेन रहे। अब सेम मूव मुझे नीचे की तरफ ही कराना है, तो मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके भी मूव करा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और इस नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, ऑल्ट के साथ, और उसके बाद कंट्रोल डी, ठीक है। तो आप देखो कितनी आसानी से ये भी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये भी एक पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये पैटर्न बनाने का, ये मैंने बना लिया, ठीक। इसको मैं पूरा फिट कर देता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और इसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप करके मैं इसको भी रख लेता हूँ अपना साइड में यहाँ पे, जिसकी मैं याद रहे हम लोगों ने कितने सारे पैटर्न बना लिए, तो ये भी मैंने एक पैटर्न यहाँ पे बना के रख दिया, ठीक है। तो ये मूव टूल की हेल्प से हम एक पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और कर सकते थे हम लोग, जैसे कि ये मैंने बनाया था, दूसरा एक और तरीका याद रखो कि हम कैसे इफेक्ट्स के जरिए भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी ये कॉपी निकाल लेता हूँ, ये कॉपी निकाल ली और मैंने इसी पैटर्न को इस तरीके से रखा है ये, और मैं इसको ये दो पार्ट में इस तरीके से ये कंप्लीट पैटर्न हो ही रहा है, तो इसको ये रखा और इसको नीचे भी ऐसे कॉपी निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पूरा पैटर्न फिर से
पूरा आ गया बन के, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसे सेलेक्ट किया, पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद हम लोग, जैसे हम लोगों ने सीखा है इफेक्ट और इसके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको ट्विस्ट करा सकते हैं। ट्विस्ट कराया, तो अगर मैं ट्विस्ट कराता हूँ, देखिए आप कैसे होता है ट्विस्ट। जैसे मैं 360 बोलता हूँ, 360 नहीं 35 बोलता हूँ सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा टर्न हुआ, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न्स में नए पैटर्न्स मिलेंगे। फिर से मैं आ जाता हूँ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लगभग 80 के आसपास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक नया पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, आपको एक नया पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इसकी मैं एक कॉपी निकालता हूँ मैं, क्योंकि इसी पर मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। और मैं इसको भी साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। ओप्स, कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन, मेरा सिस्टम शायद इतना हैंग हो गया। तो ये थोड़ा सा इसको भी मैं एक साइड में रख लेता, तो मेरे पास एक और पैटर्न ये आ गया, ठीक है। और मैंने इसको भी यहाँ पे रख दिया था, ये थोड़ा सा छूट गया एरिया, इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। तो इतनी सारी फाइल्स खुली होने की वजह से थोड़ा सा हैंग होने लगा है सिस्टम, कोई बात नहीं। पर फिर से मैं इसको देखो, एक तरीके से मैंने ये सेलेक्ट किया, अब मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आऊंगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करोगे ना, जितने इफेक्ट्स उतने इफेक्ट्स आपको नए मिलेंगे। मैं देखो यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक नया पैटर्न मुझे क्रिएट हो गया, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये मुझे एक और फिर से नया पैटर्न मिल गया। तो देख रहे हो आप कितना आसान है, मतलब पैटर्न्स को क्रिएट करना है। और मेरी ट्रिक्स आप यूज़ करो, बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे पैटर्न्स बनाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ये और ये, ठीक है। बहुत आसान आसान ट्रिक्स है मेरी ये, ठीक है, जिससे मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये आपने देखो, ये देखो, ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया। कितना आसान है पैटर्न बनाना। तो ये इफेक्ट्स की हेल्प से आप बना सकते हो। अभी मैंने इतना ट्राई किया, आप इस पे ना बहुत सारे इफेक्ट और भी बाकी है, जैसे ये सारे आप इस पे मतलब ट्राई करो, हिट एंड ट्राई, जिस मतलब बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिल जाएंगे। तो कितना आसान है देख रहे हो आप, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पे रफनेस भी दूंगा ना, तो भी कुछ ना कुछ मुझे पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रफनेस मैंने दी है इसको, तो कितने मतलब देखो कैसा मतलब पैटर्न्स मिल रहा है आपको। ये मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, और इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये देखो, आपको एक और फिर से नया टेक्सचर या पैटर्न मिल गया। तो मतलब ये कितना आसान है देखो बनाना। इसे भी मैं कंट्रोल जी से ग्रुप करके एक साइड रख लेता हूँ। तो ऐसे और भी इफेक्ट्स आप यूज करोगे ना, तो बहुत सारे आपको पैटर्न मिलेंगे। ये बहुत आसान है इन सब चीजों को करना, बस जो ट्रिक्स है उनको याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको साइड रखता जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके हम लोग लास्ट में आपको दिखा सके कितने सारे हम लोगों ने कितनी आसानी से पैटर्न बनाए। अगर आप इसको ग्रीन में बनाएंगे ना, ग्रीन वगैरह, तो फिर ऐसा लगेगा ये ग्रास है, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने पैटर्न बना सकते हो। अब आ गया मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। देखो मैं कैसे बनाता हूँ पैटर्न। जैसे मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक कोई और कलर का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है, ये लिया। और दूसरा मैं एक ऑरेंज स्क्वायर ले लेता हूँ, ये इसी की कॉपी निकाली और इसकी कॉपी करनी इसके जस्ट नीचे निकाली। बस इसका कलर मुझे करना है चेंज, मैं इसका कलर कर देता हूँ कुछ पिंक, ठीक है। अब मुझे क्या, ये दो है, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इन दोनों की कॉपी निकालूंगा ये, और उसके बाद कंट्रोल एक काम करते ना, इसकी कॉपी निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, मतलब ये कलर इस साइड, ये कलर इस साइड। तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब एक ऐसा बना दिया, ठीक है, चेक टाइप का। और उसके बाद इन दोनों की कॉपी निकाली, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। इसको इक्वली फिल करने के लिए मैंने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ इसको ऐसे बड़ा कर लिया, ठीक है। बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा हटा के दूर रख लेते हैं,
ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेसिकली, ये सारे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो हमारे पास ये पूरी लाइंस का अगर मैं बीच में सेलेक्ट कर लूँ, मतलब बीच के जितने भी एंकर पॉइंट है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये बीच के सारे एंकर पॉइंट देखो एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब इसकी यूज से मैं इसको सिर्फ ऐसे बेंड करूँगा, देखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो मुझको ये एक नया पैटर्न मिल गया। आप देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है, मतलब देख रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे को एक नया पैटर्न मिल गया। अब मैं इस पैटर्न को चाहे तो इसको छोटा कर लूँ, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया है, और इसको सेलेक्शन टूल्स से उठाना है आपको, ठीक है, ये पिक किया और इसको मैंने यहाँ रख लिया, और फिर से अपना मूव टूल वाला स्टाइल अपना लेना, चाहे आप ऐसे मूव करा देना और इसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और चाहे आप इसको, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी तरीके से रखो, है ना, आप इसको इस तरीके से भी रखवा सकते थे, ठीक है, सेम इस तरीके से भी आप पैटर्न्स को ले जा सकते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इस तरीके से रख लिया, ठीक है, और मैं इस बार इसको उल्टा रख देता हूँ, तो मेरे को ये कुछ ऐसे पैटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप हमेशा ग्रुप कर लेना, मैं यहाँ जल्दी में ग्रुप करना भूल गया था, कंट्रोल जी ग्रुप, और इसको मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके के पैटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके अब एक साथ सारा सेलेक्ट कर लें इन दोनों को, और इसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप करके इनकी भी कॉपी ऐसे निकाल सकते हो, तो आपको कंट्रोल डी, तो आपको देखो इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, कितना आसान है इसे बनाना। और उसके बाद आप कुछ ना करो, आप एक स्क्वायर बना लो यहाँ से, एकदम एग्जैक्ट फिक्स स्क्वायर बना के यहाँ से और यहाँ तक, सही है, ठीक है, यहाँ से रिपीटिंग पैटर्न हो जाएगा ना मेरा, तो बस मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ तक रिपीट होना सही है। ये मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको ये स्क्वायर बनाया, इन सबको सेलेक्ट कर लेना इसने एरिया को, ठीक है, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मार्क्स, तो मेरे पास ये भी एक पैटर्न बन गया। कितना आसान है इस पैटर्न को भी, देखो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से और स्क्वायर की हेल्प से बनाया, ठीक है। इस पैटर्न को और अच्छा मॉडिफाई करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बनाते वाला हूँ। देखो फिर से मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ ये, और इसकी ये कॉपी निकाल के नीचे रख दी, ठीक है, और इस कॉपी का मैं कलर कर देता हूँ चेंज, मतलब मैंने पिंक लिया तो इस बार मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं थोड़ा ब्लू में ले लेता हूँ, और ऊपर वाला भी मैं कोई कलर और ले लेता हूँ, मतलब मैं थोड़ा ये सेम कलर लग रहा है एकदम, मतलब थोड़ा डार्क में लेते हैं, ठीक है, एक डार्क एक लाइट, ठीक है, वो कलर ले लिए, कलर थोड़ा सा कलर आप देखना, बहुत जल्दी जल्दी मैं ले रहा हूँ, तो ठीक है ये सही, ठीक है, तो मैंने ये दोनों ऐसे कुछ कलर्स ले लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कैसे भी आप जो भी आपको कलर्स थीम पे, आप जिस कलर थीम पे आप काम करो उस कलर थीम के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो अभी मेरे पास फिर से वही ट्रिक है, बस ट्रिक में चेंज इतना है कि इन दोनों को उठाऊंगा फिर से उल्टा करके रखूंगा, मैं फिर से वही है, सेम पैटर्न पैटर्न सेम है, ठीक है, बस इस बार क्या है, इन दोनों सबको सेलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये चारों पॉइंट्स को एक साथ ऐसे कर्व कर सकता था, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, सर्किल में भी ये भी पैटर्न अच्छा बनेगा, लेकिन मैं सर्किल में नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इनको ये फिर से कंट्रोल डी और मैं इसको सबको, चाहे तो मैं ये भी एक पैटर्न बना सकता हूँ, बहुत बढ़िया, मतलब चेक वाला पैटर्न बनाने के लिए आसान है ये, ठीक है, तो मैं इन सबको ग्रुप कर लूँगा, बाद में करूँगा अभी नहीं, ठीक है, और सबको सेलेक्ट करूँगा, और मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेलेक्ट किया और सारे एंकर पॉइंट्स में इन पॉइंट्स को अगर मैं सबको करूँगा तो सर्किल हो जाएगा, मैं अगर अपोजिट को करूँ ये 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 इस तरीके से, तो मेरे को ये कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है, आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, आप पॉइंट सेलेक्ट करो और उसके बाद इनको एक नया पैटर्न बना सकते हो, फिर चाहे तो मैं इसी को रिपीट करा देता तो भी सही रहता, मैं दो पहले बना लेता और उसके बाद करा लेता रिपीट, तो जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी मैंने फालतू निकाल लिया था जल्दी में, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी निकालना चाहता हूँ तो ये कंट्रोल डी, तो ये भी मेरा एक नया पैटर्न बन गया, तो मैं इसकी हेल्प से भी बहुत सारे पैटर्न्स को क्रिएट कर पाऊँगा, कंट्रोल डी ठीक है,
और बैकग्राउंड आप देना चाहोगे तो बैकग्राउंड आप बना देना, मेरा 1000x1000 का है तो मैं 1000x1000 का बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा मैं अलग कलर लूंगा और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ बैक की तरफ। ठीक है, तो ये भी मेरा एक पैटर्न बन गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, मैंने जल्दी में बना दिया था। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमने ये भी एक पैटर्न देखो क्रिएट कर लिया। तो कितना आसान है पैटर्न्स को बनाना, आप समझ पा रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। और ये मैंने इतने सारे पैटर्न, इतने सारे पैटर्न्स इतने जल्दी जल्दी बना डाले। अब मैं एक, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सा, अब मैं देखो एक ट्रांसफॉर्म भी तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम पैटर्न्स को बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म की हेल्प से पैटर्न को बनाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जैसे मैं एक और स्क्वायर ले लेता हूँ, ये स्क्वायर लिया मैंने, मैं कुछ इस बार लाइन्स में बना लेता हूँ। ये लाइन ली मैंने और यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर ले लेता हूँ, कुछ और ले लूंगा, जैसे मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लैक, ब्लू या रेड में ले लेता हूँ, और बॉक्स का कलर कुछ और कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर कुछ और करने के लिए मैंने ये बैठ। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंग में सेट कर लूँगा, मुझे 20 बेस्ट लग रहा है, तो मैं इसको ये कंट्रोल डी। ठीक है, सबको सारी लाइंस को सेलेक्ट करिए, आप सारी लाइंस को सेलेक्ट किया और इसको लाइन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिल और स्ट्रोक इसके पास दोनों आ जाएगा। अब क्या करना है, सबको सेलेक्ट किया, मैं डायरेक्ट शेप बिल्डर टूल उठाऊंगा, शेप बिल्डर टूल उठाया और मैंने ये बाहर के एरियाज को माइनस कर दिया, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस कर देता है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं, और ग्रुप करने के बाद हम इसे एक कॉर्नर में रख लेते हैं, हमारा ये एक, और मैंने इसकी एक कॉपी निकाली और इसको इस तरीके से बेंड कराया तो मेरे पास ये एक कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जूम करके देख लेते हैं कि बीच में गैप तो नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ये। ठीक है, और इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ मैं कर लेता हूँ एक बार ट्रांसफॉर्म, तो मेरे पास ये एक कंप्लीट पैटर्न मिल जाएगा जिसको आसान होगा कराना। ठीक है, और ये तो मैंने इसको भी कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, ये बनाने के बाद भी मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। अब मैं इसको पहले छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ एक स्क्वायर के साइज का। ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो इफेक्ट्स में जाएंगे आप, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की विंडो, ट्रांसफॉर्म मुझे क्या करना है, प्रीव्यू ऑन कर लेना है सबसे पहले, और मैं इसको हॉरिजेंटली ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। हॉरिजेंटली कितना चाहता हूँ, यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ से वैल्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ, 100 के बाद मैं वैल्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ। अगर आपको याद है आपका क्यूब किस साइज का है या स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर किस साइज का, तो स्क्वायर का साइज आप डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे कितनी कॉपी चाहिए, मैं यहाँ पे कॉपीज डिफाइन कर दूंगा, तो ये मेरी कॉपीज उसी साइज टाइम पे निकलने लगी। ठीक है, और ये मैंने इसको ओके कर दिया, हो गया। अब मुझे नीचे की तरफ कॉपी चाहिए, तो फिर से मैं जाऊंगा और इस बार क्या, विंडोज में जाओ, अपीयरेंस पैनल से मैं करके दिखाता हूँ। अपीयरेंस पैनल पे आओ, यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना, इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट और यहाँ पे क्या आ जाओ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। अब इस बार मैं फिर से प्रीव्यू कराऊंगा, इस बार मुझे चाहिए वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली मुझे सेम चाहिए जितना उतना चाहिए था, तो वर्टिकली मुझे कितना यहाँ तक चाहिए। ठीक है, मुझे कितनी कॉपीज चाहिए, यहाँ से कॉपीज डिफाइन कर दो, ये देखो कॉपीज बनती जा रही है, उसको लगभग 6 कॉपीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 कर दी और यहाँ पे इसके बाद ओके कर दूँगा। तो ये ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आप पैटर्न को बना सकते हो। थोड़ा ज़्यादा हो गई कॉपीज, कोई बात नहीं, अब इसको एक्सपेंड करके मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। मैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एक्सपेंड अपेयरेंस, एक्सपेंड कर दिया, मैं इसको बाहर की डिलीट करने के लिए अनग्रुप करके मुझे डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, और इन सबको ग्रुप करके कंट्रोल जी से इसको भी मैं अपने पैटर्न को बाहर रख लेता हूँ। तो ये मैंने बनाया किसके हेल्प से, ट्रांसफॉर्म की हेल्प से।
ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी मैंने एक पैटर्न बना लिया, इतने सारे पैटर्न बना लिए कि जगह नहीं रही है, कहाँ रखूँ मैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म की एक और सिंपल सा तरीका, देखो एक कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल ले लो आप, ठीक है, रेड कलर का ले लिया, आप सीधे सीधे इफेक्ट्स में जाना, इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा पिक्सलेट, पिक्सलेट में जाना, कलर हाफ टोन, कलर हाफ टोन पे क्लिक करना। अब इन वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को जरा अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, जैसे मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ अभी मैं, ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ओके करो, देखो आपको एक पैटर्न मिल गया, ठीक है, कितनी आसानी से मैंने इस पैटर्न को बना लिया। अब मैं उठा के इसको भी बाहर रख दूंगा, तो ये मेरा एक पैटर्न यहाँ से रेडी हो गया। इतना पैटर्न मैंने जल्दी जल्दी बना के ना आपको बता दिया है कि आपके पास सारे पैटर्न बनाने के लगभग तरीके खुल जाएंगे आज के बाद, ठीक है। तो आपको कहीं से भी मतलब ऐसे देखना नहीं पड़ेगा छापने के लिए कि कैसे मैं पैटर्न इसको बना सकता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आ जाता हूँ, फिर से मैं इसको बनाता हूँ। देखिए मैंने जैसा कहा था कि वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो आपको हर बार नया पैटर्न मिलेगा। तो आप फिर से जाएंगे पिक्सेलेट, पिक्सेलेट के बाद हाफ टोन, हाफ टोन में यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ मैं डाल देता हूँ 300, बहुत ज़्यादा है, 30 30 कर लेता हूँ अभी, आप डाल के देख सकते हो 300 30 30 30। और यार 30 क्यों, यहाँ पे थोड़ा पिक्सल का साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे पिक्सल का साइज़ लगभग 20 कर देता हूँ। ओके किया, तो अब देखिए आपको फिर से एक नया पैटर्न मिल गया। अब इस बार क्या है, फिर से एक नया पैटर्न मिला है सर्कल्स में। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब आ जाओ एक और बहुत शानदार तरीका, जो मेन है जिससे हम लोग पैटर्न बनाए जाते हैं इलस्ट्रेटर में, वो पैटर्न का क्या तरीका है, वो तरीका भी आप समझो, ठीक है। वो तरीका ये है कि आप जैसे मैं एक क्यूब बनाता हूँ, क्यूब बनाने के लिए हेक्सागन का मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये क्यूब के लिए हेक्सागन यूज़ करने जा रहा हूँ ये, और मैं इसको ये पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग अटैच कर दो ऐसे, ठीक है। तो कॉपी निकाल लेता हूँ मैं, ये कॉपी निकाली, और कॉपी निकालने के बाद इन पॉइंट्स को ऐसे अटैच किया, और मेरे को इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिसके आप उसको देख पाओ, ठीक है। और फिर से मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे रखने के बाद इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐड कर रहा इसको, ठीक है, ये सॉरी ऑल्ट से कॉपी निकाल रहा था ये, तो मेरे पास ये एक क्यूब बन गया बीच में। अब क्या शेप बिल्डर टूल उठा के ये माइनस किया, ये माइनस किया, इसका थोड़ा सा मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा डार्क करना है मुझे, और डार्क करना है, तो मैं यहाँ से इसको डार्क किया, ठीक है। आप शेप बिल्डर टूल से कलर फिल कर सकते हो, इसको भी मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न मिला, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो, ठीक है, जैसे छोटा कर लो। छोटा करने के बाद आप अगर इसको प्लेस करना चाहोगे तो कैसे भी प्लेस कर सकते हो, मैं मानता हूँ आप कैसे भी इसे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये है कि इसे आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाओ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न के बाद मेक, मेक पे क्लिक करोगे तो ये पैटर्न ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। अब ये आ गया, आप इसके अंदर आ जाओगे, और इसके बाद यहाँ से आप डिफाइन कर लो, जैसे कि अभी हमने क्या रखा है, हमने ग्रिड में रखा है। अगर ग्रिड की फॉर्म में आप इसे रखना चाहते हो तो कितना रखना चाहते हो, ये डिस्टेंस यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देखो कितने सारे पैटर्न यहाँ से क्रिएट होंगे, ये देखो एक पैटर्न बना। अब इसको मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा दूर दूर करता हूँ, ठीक है। सेकेंड पैटर्न बन गया हमारा, ठीक है। ब्रिक्स के फॉर्म में इसे अरेंज करता हूँ, ब्रिक्स के फॉर्म में अरेंज किया, ये देखो ब्रिक्स के फॉर्म में कैसे रखना चाहता हूँ, 4x 1/4 1/2 ऐसे, ठीक है, 1/2 रखा मैंने। अब मैं इनको थोड़ा पास पास करता हूँ, और इसको भी ऊपर से थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक नया पैटर्न फिर से बन गया, ये मेरा एक पैटर्न बना, ठीक है, ये एक पैटर्न बन गया। अब जैसे मैं इसको नहीं चाहता हूँ क्यूब, ये यहाँ पे बहुत सारे टाइप है, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रिक्स में चाहता हूँ, तो ये देखो एक और फिर से नया पैटर्न। देखो कितना आसान है इस पैटर्न्स को क्रिएट करना, ये, और इसको भी मैं इस तरीके से जी, ठीक है, ये एक नया पैटर्न बन गया। तो देख रहे हो आप कितने आसानी से मैं पैटर्न्स को बनाता जा रहा हूँ। अब ये हेक्सागन फॉर्म में भी आप कर सकते हो, हेक्सागन बाय कॉलम्स, हेक्सागन बाय रोज, तो मैं हेक्सागन बाय रोज या कॉलम्स ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बीच में हेक्सागन आ रहा, अब इसके अकॉर्डिंग भी अरेंज करा सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अरेंज कराने के लिए ये पहले से हमारा हेक्सागन में था, तो हम लोग थोड़ा इसको ऐसे अरेंज कराएंगे, ये हेक्सागन, और इसको थोड़ा इस तरीके से अरेंज कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज बढ़ाते रहो, आपको मिलते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो ये मिल गया हमें, ठीक है। और हमें कितना चाहिए, हमें 5x5 का चाहिए, कितना चाहिए, मैं तो मैक्स कर सकता हूँ 9x9 का बना लेता हूँ, ये 9x9 का बना लिया, और इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और यहाँ से डन कर दूंगा। जैसे मैं डन करूंगा तो ये बन गया है, इसे डिलीट कर सकते हो आप, यहाँ पे आ जाओगे स्विचेज में, तो यहाँ पे आपका वो पैटर्न आ गया। आप जैसे मुझे ये
ये बनाना है। इसमें मुझे एक सिंपल रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने और इसमें पैटर्न फिल करना, तो इस पर क्लिक किया, ये एक क्लिक पे ये पैटर्न बन गया और फिल हो चुका है। तो आप मेक पैटर्न भी मेक जाके कर सकते हो। तो ये पैटर्न मेरा इस तरीके से बन गया। तो मेक पैटर्न की हेल्प से भी आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। एक ये भी तरीका है जिसकी हेल्प से आप पैटर्न्स को बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको कोई तरीके पता है पैटर्न बनाने के तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप कमेंट करो। और आई होप आपको मज़ा आया होगा इन पैटर्न्स की ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार।